बद अखलाकी की कई किस्में हैं और उनमें से एक किस्म खुश अखलाकी भी है। मोहब्बत की कई किस्में हैं और उनमें से एक किस्म नफरत भी है। जहल की कई किस्में हैं और उनमें से एक किस्म इल्म भी है। हम सबको दोबारा पैदा होना चाहिए। हमारे वजूद की सरनोश्त यकसर काबिले तंसीक है। आज तो एक इंसान अपने से भी इतनी दूरी पर खड़ा है कि अगर इसमें कदम मारे तो बीच में ही हांपते हांपते हलाक हो जाए। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान का सबसे गहरा दोस्त हिंदुस्तान होता और हिंदुस्तान का सबसे गहरा दोस्त पाकिस्तान, मगर है यूं कि हम एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जहालत रूह की फाका कशी है। दोस्ती मरवत खलूस, मोहब्बत दयानत और शराफत, ये वो इख्तियार हैं जो हमेशा कुछ अफराद की हद तक बामाना रही हैं, वरना ये महज अल्फाज हैं जिन्हें इस समाज की मुनाफकत ने अपने ज़मीर के जराइम और अपनी नीयत के मफाजत को छुपाने के लिए अपने इस्तेमाल में रखा है। इस समाज में अगर तुम ये सुनो कि कातिल मकतूल का दोस्त नहीं था तो उस पर ताजुब करो। जॉन एलिया तो कुछ नहीं कर सकता, बस एक ही काम कर सकता है और वो ये कि लहू थूक थूक और थूक। बड़ी उम्र के लोग कितने सादा दिल हैं और उनके छोटे किस कदर बाशऊर। वो सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी को एक खेल समझते हैं और जी लगाकर खेलते हैं। मैं पूछता हूं कि सुबह से लेके शाम तक की जिंदगी, जिंदगी का एक एक लम्हा अगर एक खेल नहीं तो और क्या है। यारो गम गसारो, आओ तुम और मैं एक दूसरे की गर्दन में बाहें डालकर एक आंख से रोएं और एक आंख से हंसे। हम रोएं कि हमने सदियां गंवा दी और हम हंसें कि मुस्तकिल की मुसाफतें हमारे लिए दीदा व दिल फर्शे राह किए हुए हैं। किसी शय या किसी शख्स का सर्फ होना उसका ना होना है। हमारे होने से क्या हुआ, हम हैं मगर सिर्फ ये देखने के लिए कि हम नहीं हैं। हम और तुम फजूल उम्मीदों के मारे हुए लोग हैं, फजूल और बेजवाब उम्मीदों मारे हुए लोग हमेशा अब्रतनाक तबाही का शिकार होते हैं। बेहतर यही है कि बातों को बर्दाश्त करने की आदत डाल ली जाए और खामोश रहा जाए और उस शख्स की नसीहत पे ध्यान दिया जाए जिसने कहा था कि हर बात को शिद्दत से महसूस करना बीमारी की अलामत है। ये मुआशरे का दबाव है जो हमें इस बेमाना अदाकारी पर मजबूर करता है। दुनिया में सिर्फ दो अकीदे पाए जाते हैं, इंसानियत और इंसानियत दुश्मनी, और सिर्फ दो कौमें रहती हैं, इंसान और इंसान दुश्मन।